अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, कैसे हैं सब भाई? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे। सुजुकी चेसिस 2022 मॉडल अराइव हो चुके हैं और जो भी एडवांस बुकिंग करवाएगा 5000 से, उसको ये गाड़ी एक महीना या डेढ़ महीने के टाइम के ऊपर डिलीवर कर देंगे। ठीक है जी, लाइट सेम है, सुजुकी का लोगो आगे सेम है, प्लास्टिक का ऊपर एवरीथिंग इज़ ओके, देख सकते हैं आप। एल्युमिनियम के रिम्स हैं, ब्रिजस्टोन के टायर हैं, वाटर कूलेंट, स्टेयरिंग ऑयल, एयर फिल्टर, बड़ा ब्यूटीफुल मैनुफैक्चरिंग क्वालिटी, फिटिंग इन जापान, मैनुफैक्चरिंग इन जापान, मेड इन जापान, 4JJ1E4MC इंजन। ये देख सकते हैं आप, सेल्फ डीजल फिल्टर, साइलेंसर, बड़ा ब्यूटीफुल मैनुफैक्चरिंग क्वालिटी, ओरिजिनल मेड इन जापान, नॉट एनी अदर कंट्री, 100 लीटर डीजल टैंक की कैपेसिटी है, 16 फीट चेसिस है। ठीक है जी, NPR है, एल्युमिनियम रिम्स हैं, ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं और 12 पट्टे हैं, स्प्रिंग्स हैं। ठीक है जी, ट्रक को और अच्छा डिज़ाइन किया गया है। चेसिस की विंड जो है, इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच और बढ़ा दी गई है ताकि और सेफ्टी रहे। स्टेपनी ब्रिजस्टोन देख सकते हैं आप, और बैक साइड में लाइट्स, जब आप रिकवरी ट्रक तैयार करेंगे तो लाइट्स बैक साइड में चली जाएंगी। ठीक है जी, और इस तरफ से आए तो इंजन 4.2 टन है, 120 सीसी हॉर्स पावर है। ये कंप्यूटर लगा हुआ है, टर्बो इज देयर, ब्यूटीफुल कैबिन डिज़ाइन किया हुआ है माशाल्लाह। ये 16 फीट है और ये जो स्टैंडर्ड इंजन ये चल रहा है अभी मार्केट के अंदर, तो जितनी भी ज़्यादा गाड़ी हैं यही लोग चूज़ कर रहे हैं, अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्वालिटी है जापान की। डिफेंसर देख सकते हैं, 3-4 चेंजिंग हुई हैं 2019 के बाद, एल्युमिनियम के रिम्स आए हैं, ट्यूबलेस टायर आए हैं, चेसिस को जो है ना 4 इंच बढ़ा दिया गया है और स्प्रिंग ज़्यादा किए गए हैं, ये सबसे बेस्ट है, कैपेसिटी लोड ज़्यादा हो जाएगा और गाड़ी को किसी किस्म का इशू प्रॉब्लम नहीं होगी। और मज़ीद जो है आपको वीडियोस मिलती रहेंगी रिव्यू ट्रक्स के, अगर कोई भी दोस्त गाड़ी लेना चाहता है, बेचना चाहता है, वो भी रابطہ कर सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमसे रابطہ करें, अपना YouTube के नीचे कमेंट्स में आप हमसे रابطہ कर सकते हैं, हम आपको आंसर देंगे और बताएंगे गाड़ी के मतलब जो भी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। रेस देख सकते हैं, यहाँ से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज कर सकते हैं, लीवर, सिग्नल्स, लेफ्ट राइट्स, ये है ब्रेक फ्यूट, ब्रेक वॉल जिसको कहते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया हुआ है। मीटर को 160 स्पीड है, पर 110 पे जो है ना इसका कंप्यूटर क्लोज है स्पीड का। फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज, और इसको में ये लोग खुद ही आपको टेप और छोटी सी LCD जो है ना वो इंस्टॉल करके देंगे। देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ रख सकते हैं आप यहाँ पे, बुक्स वगैरह, अपने को पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह दोनों साइड के अंदर, ये भी अच्छा ऑप्शन है। और दूसरी ये चीज़ चेंज हुई है, 6 टॉप गियर हैं और 1 रिवर्स है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा फीचर ऐड किया है, क्योंकि जब 5 गियर हो जाते हैं तो गाड़ी ऐसा लगता था कि गियर मांग रही है, तो इसलिए इन लोगों ने 1 गियर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है जी। ठीक है जी, ज़बरदस्त ऑप्शन है जी, हैंड ब्रेक, सीट बेल्ट, सीटों की क्वालिटी अच्छी है जी, पीछे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा लीवर दिया है स्टेपनी ओपन करने के लिए, टायर्स के बोल्ट्स ओपन करने के लिए,
उसके अंदर पार्ट्स है, वो बेल्ट क्वालिटी ज़बरदस्त है जी। ये इसकी यहाँ पे प्लेट लगी है 2022 मॉडल, 1st of January, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और बेल्ट से भी देख सकते हैं। अगर कोई वहाँ चेंज कर देता तो बेल्ट चेंज नहीं हो सकता, यहाँ से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं 2022 मॉडल। ठीक हो गया जी, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, अप डाउन ऑटोमेटिक इसमें दिया हुआ है। ये इसकी दो कीज़ आएंगी सुजो की, ये कीज़ भी बड़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन की हुई हैं इन लोगों ने, ज़बरदस्त। दोबारा वहीं लगा देते हैं, डबल इंडिकेटर्स, एक्स्ट्रा बटन्स दिए हुए हैं कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी ये पुराना टाइप दे दिया इन लोगों ने, ज़बरदस्त। ठीक हो गया, ओके गाइस, मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, आपको वहाँ पे मज़ीद वीडियोज़ मिलेंगी, ट्रक्स के रिव्यूज़ मिलेंगे। और एक तो ये मैंने आपको इंजन बताया 4.2 टन, इसमें 5 टन इंजन, आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं, बड़ा इंजन है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है, ओरिजिनल मेड इन जापान है, असेंबल जापान है। ये इसका टर्बो है, टर्बो भी उस इंजन से बड़ा है और ये ताकत में इंजन बड़ा है, 120-130 तक आप इसकी स्पीड जा सकते हैं। जो भी दोस्त लॉन्ग रूट के ऊपर चलते हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, उनके लिए ये गाड़ी भी बहुत बेस्ट है। उस गाड़ी की नस्बत ये तकरीबन अराउंड 7,000-8,000 एक्सपेंसिव हो सकती है। ठीक है जी, मज़ीद डिटेल्स के लिए और प्राइस वगैरह के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, नीचे कॉमेंट्स कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हमारी मिलती रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बाकी सारी तकरीबन सेम चीज़ें, यही चीज़ हैं, ये चीज़ें सेम ये है, फ़र्क सिर्फ कहाँ आता है, इंजन में फ़र्क आता है, इंजन पावरफुल इंजन है। जो भी दोस्त लॉन्ग रूट के ऊपर जाते हैं या माउंटेन्स वाले रास्ते होते हैं, पहाड़ वगैरह, ऊंचाई, तो ऊपर की तरफ जाने के लिए ज़बरदस्त पावरफुल इंजन है सुजो। एक क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, सुजो लाइफ ट्रक है, NPR 75K 24 है, और ये NPR 75K 24 है। ठीक है, ये फ़र्क है और इंजन डिफरेंट है, दोनों ट्रक सेम है, कैबिन्स वगैरह सब कुछ सेम है, इंजन का फ़र्क है, टायर्स देख सकते हैं, टायर्स, रेम सब सेम है, और स्प्रिंग्स भी सेम है 14-1, पर एक फ़र्क है, ये 5 टन कैपेसिटी ज़्यादा जो है ना लोड उठा सकता है, मुझे लग रहा है ये उससे बेस्ट ज़्यादा कैपेसिटी कैरी कर सकता है, वो भी ट्रक बेस्ट है, फॉर्म जनरल ट्रक चल रहा है मार्केट के अंदर, अच्छा रिस्पांस है मार्केट में इसका, ये देख सकते हैं ना फ़र्क, ये पीस यहाँ पे है कमानियों के ऊपर यू बुल्ट डालकर, और ये पीस इसके ऊपर नहीं है, यहाँ पे यू बुल्ट ही सिर्फ हैं मैनुफैक्चर, ये यू बुल्ट और ये वाले यू बुल्ट में थिकनेस में फ़र्क है, वो मोटे हैं, तो ये थोड़ा हैवी ट्रक कह सकते हैं आप, थोड़ा हैवी ट्रक, और प्राइस में भी थोड़ा फ़र्क है, इसी वजह से टर्बो भी देख सकते हैं इसका, बिग टर्बो है ये, बड़ा टर्बो है, और इसका टर्बो देख सकते हैं आप, ये छोटा टर्बो है, बस ये छोटा सा टर्बो है, ठीक है दोस्तों, दो में याद रखिएगा। मज़ीद आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ये ट्रक 2019 में लिया था मैंने, फुल डाउन 2019 ट्रक, अभी तक चल रहा है तकरीबन 3,00,000 किलोमीटर चल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट ट्रक है, सुजो इज़ लॉन्ग लाइफ ट्रक, व्हाट अ
मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी इज़ बेस्ट। आज हम आए हुए हैं सर्विस सेंटर के अंदर, तो मैंने बोला चलो आपको भी वीडियो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। जो नए ट्रक आए हुए हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इरादा है एक और ट्रक इंक्लूड करने का। तो आप भाई बता सकते हैं कॉमर्स के अंदर कौन सा ट्रक बेस्ट ले लूँ, कि छोटे इंजन वाला ले लूँ या बड़े इंजन वाला ले लूँ, ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, एंड ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कीप सेफ ड्राइविंग। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल्स कम से कम इस्तेमाल करें और सीट बेल्ट का यूज़ करें। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।